गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद देश में चीन विरोधी भावनाएं उबाल मार रही हैं। हैशटैग बॉयकॉट चाइना सोशल मीडिया पर फेवरेट ट्रेंड बना हुआ है। एक तरफ लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का संकल्प ले रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार और इंडस्ट्री भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की बात कह रहे हैं। पर याद कीजिए साल 2017 जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। 74 दिनों तक चले उस स्टैंड ऑफ के वक्त भी ऐसी ही बातें कही गई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके बाद भी कई मामलों में हमारी निर्भरता चीन पर कहीं ज्यादा बढ़ी है। इनमें सबसे अहम है दवाएं। इस मामले में भी भारत चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है और वक्त के साथ ये निर्भरता बढ़ती गई। वाणिज्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक पिछले 4 सालों में चीन से आयात होने वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में 28% की तेजी आई है। साल 2015-16 में भारत ने चीन से 947 करोड़ रुपए का आयात किया था, जो साल 2019-20 में बढ़कर 1150 करोड़ रुपए का हो गया। डोकलाम विवाद के समय कहा गया था कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और चीन पर निर्भरता कम की जाएगी। ये बात इंडस्ट्री और सरकार दोनों की तरफ से कही गई थी, लेकिन ये बात धरातल पर कितनी उतर पाई ये आपके सामने है। यहाँ आपको बता दें कि दवा तैयार करने के लिए जो जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसे एपीआई कहा जाता है। दरअसल दवा निर्माताओं का कहना है कि चीन से एपीआई समेत अन्य फार्मा प्रोडक्ट्स को आयात करना काफी सस्ता पड़ता है। भारत में पॉलिसी तो बना दी जाती है, लेकिन उसे अमल में लाने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे में चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी काफी दबाव है। हाल ही में सरकार ने इंडस्ट्री से कहा है कि वो चीन से आयात होने वाले गैर जरूरी और घटिया क्वालिटी के सामानों की लिस्ट तैयार करे ताकि उस आयात को रोका जाए और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिल सके। फार्मा इंडस्ट्री के मुताबिक भारत 70% एपीआई चीन से आयात करता है। अगर चीन निर्यात बंद कर दे तो भारत एंटी इन्फेक्टिव और एंटी कैंसर जैसी जरूरी दवाएं तैयार नहीं कर पाएगा। कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं जिनके लिए भारत 80-90% तक चीन से एपीआई का आयात करता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी हैशटैग बॉयकॉट चाइना का नारा सिर्फ सोशल मीडिया और बातों तक सीमित रहेगा या फिर वाकई सरकार इसके लिए जमीन पर कोई बड़ा प्लान अमल में लाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।